बच्चों, मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत इकाई 3, इसके अंतर्गत पार्ट 4, खंड ब में गठबंधन की राजनीति का अध्ययन करेंगे। गठबंधन की राजनीति आज हमारा टॉपिक है, तो इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे कि गठबंधन का क्या अर्थ होता है या गठबंधन की राजनीति का क्या अर्थ होता है। तो गठबंधन की राजनीति का अर्थ है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत राजनीतिक गतिविधियों के संचालन के लिए गठबंधन की राजनीति कहा जाता है। अब देखो, इसको समझो आप, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब होती है? जबकि लोकसभा में केंद्र की सरकार को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब क्या होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, इन सब के अपने अलग अलग सिद्धांत होते हैं, अपने अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो ये सभी राजनीतिक दल जब एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत, मतलब कि सब राजनीतिक दल एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत उस कार्यक्रम में वो सभी सहभागी होते हैं और उसमें उसकी सहमति होती है, तो वो सब मिलजुल कर एक कार्यक्रम मनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम हमारे देश के लिए ये विकास करेंगे, हमारे ये सिद्धांत है, आपके क्या सिद्धांत है। इस बात को लेकर जब उनमें आपस में एक कार्यक्रम तय किया जाता है और उसके आधार पर जब राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है तो उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। अब राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में देखो, या तो केंद्र सरकार में जब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो गठबंधन की राजनीति के तहत केंद्र में सरकार का निर्माण किया जाता है। कई बार क्या होता है, यह गठबंधन विपक्षी दल का भी होता है और विपक्षी दल द्वारा भी आपस में छोटे छोटे राजनीतिक दल गठबंधन करके केंद्र सरकार के विपक्ष में अपना एक गठबंधन तैयार करते हैं और वह केंद्र की सरकार को हटाने के लिए, गिराने के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। तो उसके इन सब गतिविधियों को राजनीतिक गतिविधियां कहा जाएगा। तो इसके संचालन के लिए जब वो गठबंधन की राजनीति कार्य करती है तो उसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जब राजनीतिक दल गठबंधन के द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, जो ऐसी सरकार को गठबंधन की सरकार या मिलीजुली सरकार कहते हैं। जब राजनीतिक दल, अपन देखते हैं कि केंद्र में स्पष्ट बहुमत, केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, बहुमत की, और वह बहुमत कब मिलता है, जब केंद्र में 272 सीटें अगर कोई सरकार प्राप्त कर लेती है तो वह केंद्र में सरकार बना सकती है। परंतु अगर 272 सीटें प्राप्त नहीं हुई है तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल आपस में क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके वह सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। और जब वह सत्ता प्राप्त होती है तो ऐसी सरकार को मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब भारत में गठबंधन की राजनीति का शुरुआत कब हुआ था, इसका उदय कब हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम 3 आम चुनावों में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। आपको पता होगा जब हमारा भारत आजाद हुआ था 1945 में, तो 1951 से लेकर शुरुआत हुई थी तब से लेकर राजनीतिक दौर में 3 आम चुनावों तक केंद्र में जो स्पष्ट बहुमत था वो किसका, कांग्रेस का था, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल था और उस समय भारत की आज़ादी में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्पष्ट बहुमत लोगों का किसको मिला था, कांग्रेस को। चतुर्थ आम चुनाव में 1967 में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, चतुर्थ आम चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस में आंतरिक मतभेद के कारण केंद्र में तो जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार का निर्माण हो गया, परंतु राज्यों में वह बहुमत से क्या हो गई, वंचित रह गई, जिसके कारण एक या अधिक अन्य दलों के समर्थन से सरकारों का निर्माण हुआ। केंद्र में तो क्या हुआ, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस सरकार का निर्माण हो गया, परंतु राज्यों में वह स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रही और जिसके कारण से राज्य में क्या हुआ था, गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ। इस प्रकार चतुर्थ आम चुनाव में से भारत में गठबंधन की राजनीति का शुरुआत हुआ। और छठे आम चुनाव 1977 में 5 विभिन्न दलों से गठित जनता पार्टी की एक तरह से गठबंधन ही था। 1977
77 में क्या हुआ था, पांच विभिन्न राजनीतिक दलों का आपस में जोड़ हुआ था और उससे एक गठित जो राजनीतिक दल बना था वह था जनता पार्टी। और वह जो जनता पार्टी था वह विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों का क्या था, गठबंधन था। 90वें लोकसभा चुनाव 1989 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, जिसके समर्थन पर आधारित सरकारों का निर्माण हुआ। फिर 90वें जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ था, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण से मतलब अपन कहते हैं कि समर्थन पर आधारित गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ। 10वें लोकसभा चुनाव 1991 में फिर स्थिति यही रही। और 11वें लोकसभा चुनाव 1996 में गठबंधन सरकारों का दौर चलना शुरू हो गया, जो वर्तमान में अभी तक जारी है। अब क्या हो गया, अभी के जो दो चुनाव हुए हैं वर्तमान में हमारे देश में जो दो मुख्य गठबंधन है वह उनके प्रधान दल जो कि गठबंधन इस प्रकार है। हमारे अभी दो प्रमुख गठबंधन है और दो प्रमुख गठबंधन में जो अपन देखते हैं इनके प्रधान दल हमारे सामने इस प्रकार है। एक तो है एनडीए, जिसे हम इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसमें जिसको हम बीजेपी, इसका प्रधान दल क्या है, बीजेपी। उसी प्रकार से दूसरा है यूपीए, जिसको हम कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसकी प्रमुख राजनीतिक दल जिसका नाम है कांग्रेस। अब हम देखते हैं एनडीए और यूपी में भी कुछ कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दलों का गठबंधन शामिल है, जिसको मिलकर इन प्रधान दलों का निर्माण हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे भारत में गठबंधन सरकारों का इतिहास, कि भारत में गठबंधन सरकारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। और इसको इतिहास को हम पहले स्टार्टिंग के पहले पॉइंट से शुरू करते हैं और 10 पॉइंट तक हमारे वर्तमान राजनीति तक इसके इतिहास को हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1977 के लोकसभा चुनाव में पांच दलों से मिलकर बनी जनता पार्टी एक तरह का गठबंधन ही था। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए थे और इस लोकसभा चुनाव में जो पांच दल मिलकर जिन्होंने जनता पार्टी का निर्माण किया था वह भी क्या था, एक गठबंधन ही था। उसके बाद में हम देखते हैं 1989 के चुनाव तथा राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में 9वीं लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा कांग्रेस की केंद्र सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार था। उसके बाद में क्या हुआ था, 1989 के जो चुनाव हुए थे उसमें प्रमुख मुद्दा क्या था, कांग्रेस की जो केंद्र सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त होना इसका प्रमुख मुद्दा रहा। चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने गठबंधन की सरकार बनाई और इस गठबंधन को राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से जाना गया। 1989 के लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें जो विपक्ष का जो प्रमुख गठबंधन बना था उसके गठबंधन को क्या कहा गया था, राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से जाना गया, जिसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से दल थे, जनता दल थे, कांग्रेस एस थे, तेलुगु देशम पार्टी थी, असम की क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद इसमें शामिल थे, जो कि कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ना चाहते थे। इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। यह राष्ट्रीय मोर्चा जो सरकार बनी थी इसमें प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। और 1988 में गठित जनता दल के जो कि अध्यक्ष बने थे, इससे पहले वे कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस सरकार में पहले वित्त मंत्री रह चुके थे, लेकिन बोफोर्स घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर उन्होंने जनता दल की स्थापना की। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि पहले कांग्रेस में वित्त मंत्री रह चुके थे, बोफोर्स घोटाला हुआ था और उसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद में जनता दल एस की उन्होंने स्थापना की। राष्ट्रीय मोर्चा की इस सरकार को दोनों ही वामपंथी दलों मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था। जो ये गठबंधन सरकार बनी जनता दल, इसको किसका समर्थन था, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार
इन दोनों को एक तो वामपंथी दल मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय साम्यवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। वामपंथी दल और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों ने ही सरकार में शामिल नहीं हुए थे। यह था हमारा। अब हम देखते हैं 1991 के चुनाव और कांग्रेस की सरकार। इसमें हम देखते हैं कि 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे। 1991 था और इसमें 10वीं लोकसभा के हमारे यहाँ पर चुनाव हुए थे। और इस चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीलंका के लिट्टे आतंकवादियों द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बलुर स्थान पर एक बम विस्फोट द्वारा हत्या कर दी गई थी। हमें पता है कि 1991 में 10वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था और राजीव गांधी की लिट्टे के आतंकवादियों द्वारा तमिलनाडु में जब वो दौरा करने गए थे तब उनकी हत्या हो गई थी। अभी तक दक्षिण भारत में लोकसभा के लिए मतदान नहीं हुआ है और इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत से सहानुभूति के कारण कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि राजीव गांधी की हत्या के पूर्व उत्तर भारत में मतदान हो चुका था तथा उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यद्यपि इन चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1991 में एक नई कांग्रेस की सरकार का निर्माण हुआ था। 1991 में कांग्रेस की सरकार का निर्माण हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? नरसिम्हा राव को बनाया गया। और इस सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। यद्यपि यह तकनीकी तौर पर गठबंधन सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के अभाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर रही। यह वैसे तो इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, संयुक्त रूप से गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको बाहर से समर्थन किया था, परंतु नरसिम्हा राव जी का व्यक्तित्व और उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा रहा कि उन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण रूप से किया। और आपको पता होगा कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय भारत में एक नई शुरुआत हुई थी और वो क्या हुई थी? उदारीकरण और वैश्वीकरण की। उस समय भारत में उदारीकरण की नीति और बहुराष्ट्रीयकरण की नीति की शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं 1996 के चुनाव और संयुक्त मोर्चा की सरकार। 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव में पुनः ऐसी स्थिति बनी कि किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और इन चुनाव में कांग्रेस को मात्र 140 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई थी। और इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उस समय सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता और वरिष्ठ नेता उसमें कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो उस समय कांग्रेस को तो सिर्फ 140 सीटें ही प्राप्त हुई थी और इस समय हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को यह आश्वासन था कि अटल बिहारी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से कार्यकाल होगा, तो उन्होंने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया और उन्हें 16 मई 1996 को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेकिन लोकसभा में अपना बहुमत न सिद्ध करने के कारण 13 दिन के बाद ही 1 जून 1996 को उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी को नियुक्त किया गया और उनको कहा गया था कि आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें, और लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ 1-2 मतों से उनको अपने विपक्ष का हार देखनी पड़ी और जिसके कारण से 13 दिन के बाद ही उनकी 1 जून 1996 को उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ा। उसके बाद में 1998 के लोकसभा चुनाव और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसको हम एनडीए की सरकार भी कहते हैं, 1998 में 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था और इस चुनाव के समय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई पार्टियों को मिलाकर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शुरुआत की गई थी। इसमें जनता पार्टी मिली थी और जनता पार्टी के साथ साथ में अन्य कई राजनीतिक दल मिले थे और इन राजनीतिक दलों के साथ में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शुरुआत हुई थी। 1998 के चुनाव में इस गठबंधन को बहुमत तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे अधिक सीटें इसमें प्राप्त हुई। 1998 का जो चुनाव हुआ था इसमें इस राजनीतिक दल को बहुमत तो नहीं मिला, परंतु क्या हुआ था, इसमें इनको बहुत ही अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं छठा पॉइंट, 1999 का चुनाव हुआ था और इसमें राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। जो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन देखते हैं बीजेपी की सरकार, उसको 1999 के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। 1999 के जो 13वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए थे वह 13 अक्टूबर 1999 को पूर्ण हुए थे और इसमें इनके नेता कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको पुनः प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था और इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। उसके बाद में 2004 में वापस से लोकसभा हुए थे चुनाव और इसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार बनी थी। यूपीए की सरकार कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस की सरकार में मई 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव जो संपन्न कराए गए थे, इसमें यूपीए की सरकार जिसमें अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी थी कांग्रेस अध्यक्ष, और उन्होंने सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। तो इसमें 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किया गया। उसके बाद में 2009 में चुनाव संपन्न कराए गए थे और पुनः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनाई गई थी और इसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव संपन्न कराए थे और इसमें मनमोहन सिंह को पुनः इनके नेतृत्व में 22 मई 2009 को पुनः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में इन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था। उसके बाद में हम देखते हैं 2014 के जो चुनाव संपन्न कराए गए थे और इसमें एनडीए की सरकार को वापस से पूर्ण बहुमत मिला था। 16वीं लोकसभा चुनाव जिसमें 1984 के बाद में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बार बार हमारे यहाँ पर कभी कांग्रेस और कभी गठबंधन की सरकार और कभी यूपीए की और कभी एनडीए की सरकार को पूर्ण रूप से बहुमत मिलता रहा। अब हम देखते हैं वर्तमान में 2019 में जो चुनाव संपन्न कराए गए थे और उसमें एनडीए की सरकार जिसको पुनः सरकार बनाने का मौका मिला। सरकार 17वीं लोकसभा के चुनाव जो कि संपन्न कराए गए थे और 2019 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सहित एनडीए को भारी रूप से समर्थन हासिल हुआ और एनडीए की सरकार ने अपनी 352 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से 303 सीटें बीजेपी के खाते में रही। आप देखते हैं 272 सीटें पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, परंतु यहाँ पर भारी विजय के साथ में वापस से एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय प्राप्त हुई और इसमें बगैर गठबंधन की सरकार से स्थापना के पूर्ण बहुमत के आधार पर जो विजय प्राप्त की उसके आधार पर उनकी सरकार का निर्माण किया गया, जबकि यूपीए के गठबंधन को 91 सीटें ही मिली जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें ही मिली थी। इस प्रकार से जनता का अपार जन समर्थन इनको मिला और जिसके आधार पर उन्होंने अपनी सरकार का निर्माण किया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत के बावजूद भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में अपनी प्रधानमंत्री पद पर विराजित हुए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गठबंधन सरकार का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो वर्तमान में 2019 के चुनाव में जाकर अभी तक
इसकी वर्तमान में यह स्थिति है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे गठबंधन से सरकार की विशेषताएं क्या है, इसके पक्ष में तर्क देखेंगे, इसके विपक्ष में तर्क देखेंगे और इसके क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। तो इस प्रकार से गठबंधन से आप समझ गए होंगे कि गठबंधन की सरकार किस प्रकार से, जब गठबंधन की सरकार होती है तो इसमें कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदे यह कि सरकार बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक कार्य करती रहती है और इसमें दूसरे राजनीतिक दल अपनी मनमानी तानाशाही सरकार स्थापित नहीं हो सकती है और दूसरे राजनीतिक दल इसमें हर समय अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार का साझा रूप से कार्यक्रम निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम और देखेंगे। तब तक धन्यवाद।